स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं हूं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया है। इंट्रो इंट्रो। तो एक शानदार इंट्रो से वापस आने के बाद हम स्टार्ट करते हैं फोटो एडिटिंग का सेशन। जी हाँ, मैंने जैसे कि आपको कहा था, एक वीडियो बनाई थी मैंने टॉप 5 ऐप्स के बारे में। जो मैंने ऐप्स बताए, 5 ऐसे ऐप्स थे जो कि आपके फ़ोन के अंदर होने ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यंग किड हो या फिर कूल किड हो, या आपको फोटो एडिटिंग पसंद है, आप बच्चे हो, कुछ भी हो, फोटो एडिटर वीडियो एडिटर, और वो 5 ऐप्स कौन कौन से, वो 5 ऐप्स आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी कमाल की वीडियो है। बैक टू द बेस, मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं एयरब्रश नाम के ऐप के ऊपर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे इस एयरब्रश का यूज़ करके आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एयरब्रश का ये जो फोटो एडिटिंग सेशन है वो। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता तो एयरब्रश एक बहुत मस्त फोटो एडिटर है, जिससे आप अपने पिंपल्स गायब कर सकते हो, अपने स्किन को थोड़ा ग्लो कर सकते हो, बाल सही कर सकते हो, बॉडी थोड़ी सी एनहेंस कर सकते हो, तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये कंप्रेस करता है फाइल को फॉर श्योर। सारे फोटो एडिटर करते हैं लाइट रूम को छोड़ के। तो फिलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम एयरब्रश के साथ क्या कमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एयरब्रश के साथ जो है। तो सबसे पहले, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ लिखिए एयरब्रश। मैंने ऑलरेडी एयरब्रश लिखा हुआ था, ये रहा एयरब्रश, और इस एयरब्रश को आप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। ये कुछ इस प्रकार का आएगा। तो फिर हम लाइब्रेरी को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे फ़ोन की फ़ोटोज़ हैं उनमें से हमें कुछ एडिट करनी है। तो यहाँ मैंने एक सैम्पल लिया हुआ है, इसको स्टार्ट करते हैं एडिट करना। काफ़ी रोमांचक फ़ोटोज़ आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले हम ठीक करेंगे पिंपल्स। तो जैसा कि आपको दिख सकता है कि मेरे चेहरे पे यहाँ हल्के हल्के पिंपल्स हैं। ओके, इसमें ऑटो का भी ऑप्शन है और मैं खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो क्या क्या बदला है, हालांकि चेहरे पे इतने पिंपल हैं नहीं, लेकिन स्टिल ये काम करता है, ये पिंपल्स को गायब कर देता है। तो काफ़ी कंप्रेस साइज़ है फ़ोटो, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये कुछ हमने इस प्रकार किया, पिंपल्स ठीक किए। अब आगे हम करते हैं रीशेप। रीशेप का फीचर यहाँ मेरा सबसे फेवरेट फीचर है। अब आपको दिखा सकता हूँ कि क्या क्या रीशेप कर सकते हैं आप। जी हाँ, मैं अपने हेयर्स को कम्प्लीटली रीशेप करके दिखाने वाला हूँ आपको। मेरे बालों से मुझे बहुत थोड़ी सी समस्या नज़र आती है। देख, आप देख सकते हैं, पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, ठीक है। तो हालांकि मेरी बॉडी बनी हुई है, लेकिन एक सुपर एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर बना के दिखाता हूँ आपको। चौड़े कर सकते हैं अपने हाथ पैर, देखिए क्या बात है, क्या बात है। तो छाती चौड़ी हो चुकी है यहाँ हमारी, 56 इंच का सीना हो चुका है। तो पहले कुछ ऐसी थी फ़ोटो, रीशेप करने के बाद आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कितना भी रीशेप कर सकते हैं इसको। तो मेरा सबसे फेवरेट जो है टूल एयरब्रश के अंदर, वो रीशेप है। आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कर सकते हैं, तो रीशेप मेरा फेवरेट है। अब इसमें एक और जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ कई बार, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए अगर एडिटिंग करता हूँ तो मैं वो चीज़ यूज़ करता हूँ, और वो है स्किन टोन। जी हाँ, आई एम नॉट रेसिस्ट, बट आप ये सेलेक्ट कीजिएगा, ये और ये दोनों बेस्ट हैं, ये लेवल्स जो हैं। और स्टार्ट करते हैं स्किन को करना। ओके, तो एक ब्रश के साथ मेरी जो स्किन है वो निखर के सामने आ गई है, और दिखाता हूँ, ये अंतर देख सकते हैं आप लोग। आप इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अति सर्वत्र बढ़ जाए थे, ज़्यादा हो जाएगा तो बेकार लगेगा। तो बैलेंस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर मैं, कि आप जितनी भी फ़ोटोज़ एडिट करते हो या फिर अच्छी फ़ोटोज़ लेने का सिंपल रूल है, बैलेंस्ड, ज़्यादा चिकना मत करो किसी भी चीज़ को। आप ओप्पो वीवो के फ़ोन यूज़ करके उसे ब्यूटीफाइड मोड पे पूरा करके एकदम चिकना लड़कियों जैसा हो जाते हो, तो वो चीज़ बेकार लगती है। स्टॉप इट गाइस ब्रो, अगर तुम लोग करते हो ऐसा तो छोड़ दो, बैलेंस चीज़ें रखो, बैलेंस। और यहाँ बैलेंस चीज़ें रखी गई हैं, तो आप देख सकते हो मैंने ऐसी फ़ोटो अचीव कर ली है। तो ये कुछ इस प्रकार से सिंपल सी एडिटिंग थी, अब इसे हम डाउनलोड कर लेंगे, ये डाउनलोड हो चुकी है। मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, कि आप जैसे मैंने तो ऑलरेडी सेटिंग्स की हुई हैं, आप यहाँ जाइए
और HD क्वालिटी में रेंडर कर कीजिएगा। जो आपकी फ़ोटो होगी वो नॉर्मल HD और स्टैंडर्ड मीडियम और HD में होती है, तो आप HD सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है वो एयरब्रश प्रो का हैक वर्जन है, मोड वर्जन है। तो बेसिकली इसमें आपको एड्स नहीं आएंगे, सारे फीचर्स अनलॉक मिल जाएंगे, और एक्सप्लोर कीजिए इस ऐप को, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। चाइनीज़ ऐप है आई नो, बट इंडियंस ऐप कहाँ है यार, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। लाइटरूम कमाल का एडिटर है, माय फेवरेट, इससे ज़्यादा अच्छा लाइटरूम है, लेकिन लाइटरूम में ये ऑप्शंस और फीचर्स नहीं है जो इसके अंदर हमें मिलते हैं, तो ये देखने लायक बात है गाइस। तो ये थी एक फ़ोटो एडिटिंग वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रहो, और मैं अगर आप कैसी वीडियो चाहते हैं मुझे बता देंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी दूंगा और जल्दी वीडियो भी लेके आऊँगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।